अस्सलाम वालेकुम, मैं उस्मान। वेलकम टू ट्रैवल जैगवार। दोस्तों, आज आपको हज़रत पीर सैयद मेहर अली शाह गोलड़वी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ की ज़ियारत करवाने जा रहा हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। आपका मज़ार शरीफ इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में वाक़िया है। यह एंट्रेंस एरिया है, यहाँ से आप अंदर दाखिल होंगे। साथ ही बाहर मेन रोड पे मुख्तलिफ दुकानें मौजूद हैं, वहाँ से आप चादरें, फूल और अपनी ज़रूरत के मुताबिक अशिया की खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। अंदर दाखिल होने के बाद आप एक बरामदे में पहुंच जाएंगे जो कि एक वसी रकबे पे फैला हुआ है। उसी के साथ यहाँ पे मुसाफिर खाना वाकया है, जहाँ पे मुसाफिरों को ठहराया जाता है। बरामदे से गुजरने के बाद आप यहाँ सीढ़ियों वाले रास्ते पे आ पहुंचेंगे। उसके बाद अंदर दाखिल होने से पहले यहाँ पे आप अपने जूते जमा करवाएंगे और नंगे पैर ही अंदर दाखिल होंगे। अंदर दाखिल होने के बाद पास में ही एक कब्रिस्तान वाकया है, जहाँ पे मुख्तलिफ अजीज़ और करीब दफन है। यहाँ पे हजारों की तादाद में ज़ायरीन और अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी रहता है। यहाँ पे आप सफ़ेद गुंबद देख सकते हैं, ये वो मुकाम है जहाँ पे हज़रत पीर सैयद मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की आखिरी आरामगाह मौजूद है। हज़रत साहब के मज़ार शरीफ के साथ ये खूबसूरत मस्जिद भी वाकया है। मस्जिद के साथ ही मदरसा भी कायम किया गया है, जहाँ पे मुल्क भर से मुख्तलिफ तुलबा तशरीफ लाते हैं इल्म के असूल के लिए। हज़रत पीर साहिब रहमतुल्लाह अलैह 14 अप्रैल 1859 में पीर के रोज़ इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और इस्लामी तफ़ीम के मुताबिक आपकी पैदाइश यकम रमज़ानुल मुबारक 1275 हिजरी में हुई। आपकी ज़ाती अक़दस में एक दो नहीं बल्कि कई गोशे पोशीदा थे। आपने पूरी ज़िंदगी इत्तेहाद उम्मत का काम फ़र्ज़ अव्वलीन समझ कर किया और शायद ही कोई अहले इस्लाम होगा जो हज़रत पीर सैयद मेहर अली शाह साहब के नाम से आगाह ना होगा। हज़रत पीर सैयद मेहर अली शाह साहिब रहमतुल्लाह अलैह को कलामुल्लाह शरीफ की तालीम के लिए खानकाह में दर्स में शिरकत करने के लिए दाखिल करा दिया गया। मदरसा के तलबा ने रावलपिंडी जाकर इम्तिहान दिया। इम्तिहानी मरकज का निगरान एक अंग्रेज था। इसने सबसे पहले आपसे ही सवाल किया कि बाइते मस्तर क्या है। आपने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया। ये जवाब सुन के अंग्रेज ने सब बच्चों को इम्तिहान से पहले ही कामयाब करार दे दिया। वजह यह बताई कि इस कदर कम उम्र बच्चे ने इतना दुरुस्त जवाब दिया है तो बाकी बच्चों का इल्म तो लाजमी तौर पर बहुत ज्यादा होगा और इस जमात के पढ़ाने वाला कोई लायक उस्ताद ही होगा। हज़रत पीर मलाई शाह साहब, जो कि हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह के छोटे भाई थे, बयान करते हैं कि एक मरतबा इन्होंने शादी में शिरकत के लिए बजरिया रेलगाड़ी सफ़र करना था। तैयारी मुकम्मल थी और हज़रत साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने बुलवाया और ये फरमाया कि इस गाड़ी से मत जाना। इन्होंने अर्ज़ की कि निकाह और शादी की तकरीब है और ये आखिरी गाड़ी है, अगर मैं ना पहुँचा तो इन लोगों को सख्त मायूसी होगी, मगर आपकी ताकीद और मना फरमाने पर इनको रुकना पड़ा। जब वो ट्रेन लाला मूसा के करीब एक दूसरी ट्रेन से टकरा गई तो बहुत सा जानी नुकसान हुआ, तो जनाब पीर वलायत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह को हज़रत साहिब रहमतुल्लाह अलैह के रोकने का असल सबब मालूम हुआ। हाजी मोहम्मद अयूब सेठी पिशावर से ताल्लुक़ रखते थे। एक मरतबा का वाक़या बयान करते हुए कहते हैं कि रात के वक्त ईरान में सफ़र कर रहे थे, नींद के गलबे में ऊँक रहे थे। ख्वाब में हज़रत साहिब रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत हुई। आप रहमतुल्लाह फरमा रहे थे कि लारी को रोको, आगे कड़ा है। इन्होंने फ़ौरन ड्राइवर से लारी रोकने को कहा और उतर के देखा तो महज चंद कदम के फासले पर सामने एक बहुत ही बड़ा गढ़ा था।